संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा देश भर में किसानों को रेल रोकने के लिए निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में सोनभद्र के किसान नेता हरीश पांडे के साथ अन्य किसानों को भी उनके घर पर नजर बंद कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रेल रोको आंदोलन को रोकने के लिए शासन एवं प्रशासन सुबह से ही सक्रिय नजर आए। किसान एवं किसान नेताओं को उनके घर पर नजर बंद कर दिया गया है, जिसके कारण रेल रोको अभियान सोनभद्र में असफल। सोनभद्र में रेलवे स्टेशनों पर पुलिस बल के साथ आरपीएफ के जवान भी सुबह से ही रेल रोको आंदोलन को असफल बनाने के लिए लगे रहे। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा टीम बनाकर अलग अलग क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन और जो भी किसान नेता हैं उन पर नजर बनाए रखने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिसके कारण सोनभद्र में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा था, जो यहां पर पूरी तरह से असफल नजर आया। वहीं पूर्वांचल नवनिर्माण मंच के किसान नेता गिरीश पांडे ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हम लोग रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा किसान एवं किसान नेताओं को उनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की मांग जायज है किसान हित में, इसलिए जो भी निर्देश प्राप्त होगा हम लोग उसका कड़ाई से पालन करते रहेंगे और किसानों की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एएसजेड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सोनभद्र। ये दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में आज रेल रोको अभियान का एक आह्वान किया गया है पूरे देश में लखीमपुर की दुखद घटना के बाद। तो इस क्रम में आज हम किसान जनपद सोनभद्र के रेलवे स्टेशनों पर पहुंच करके ट्रेनों को रोकने का प्रयास, वो आयोजन में भाग लेने जा रहे थे, तो उसी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है घर घर किसानों के, किसान नेताओं के घरों पर आज तैनात की गई है किसान आंदोलन को प्रभावित करने के लिए। हम लोग लगेंगे, सरकार अपना काम करेगी। उनको उनको लगता है कि दबाने से पुलिस के बल पर आंदोलन रोका जा सकता है, तो अपना प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपने आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर लगातार पूर्वांचल नव निर्माण मंच, पूर्वांचल नव निर्माण किसान मंच जनपद सोनभद्र में समर्थन करते हुए जो भी उनके द्वारा आयोजन का आह्वान किया जाएगा वो किया जाएगा।